का रिएक्शन ज्यादा याद है, दाल इतने की है, सब्जी इतने की है, तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट, तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हो उसका खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह। बट दैट वन मोमेंट ना, जो पहली बार फाइव स्टार होटल में एक हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वॉज वेरी रियली मेमोरेबल फॉर मी। मैंने फाइव स्टार होटल में जूते खाए थे पानी ऑर्डर करने के लिए, मेरे डैड ने तो पानी के पैसे देगा तू नया पैदा हुआ है अंग्रेज 30 रुपए का पानी। Let's take one. Yes, sir, come on. आ रहा है कुछ अच्छा? Yes sir, thank you. सर सपरिवार जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम हो गया अभी, मोबाइल है, आप आजू बाजू में बैठ के भी एक दूसरे, मतलब एक था दौर जहाँ हम सर्कस देखने सपरिवार जाते थे, राइट? तो सर्कस का दौर निकल गया है और अभी पता नहीं वो दौर फिर आएगा, लेकिन इट्स गुड दैट आप लोग उसको इंसिस्ट करें सपरिवार के साथ पिक्चर देखिए, तो शायद वो दोबारा आ जाए। फैंटास्टिक, दैट वन थिंग वी आर रियली हैप्पी कि वो जो सपरिवार का ना, और क्योंकि हमने कुछ थिएटर विजिट्स करने का मौका मिला मुझे और सारा को, वो देख के हमें इतनी खुशी हुई ना कि जेन्युइनली हमें ऑडियंस में परिवार दिख रहे थे पूरे के पूरे, बहुत दिनों बाद एक मतलब पूरी परिवार की आउटिंग हो रही है और वो आके एंजॉय कर रहे हैं, फ्रॉम 6 to 60 सारे थे वहाँ पे। वो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, इट्स बियॉन्ड नंबर्स फॉर अस टू सी दैट ना, बिकॉज हम जब जो जर्म होता है फिल्म बनाने का, ऑफकोर्स उसके कई सारे मैथमेटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली मेकिंग फॉर दैट जॉय कि यार लोग आए, वो देखें और वो खुशी लेके घर जाएं, दैट फॉर अस इज एंटरटेनिंग द ऑडियंस। तो वो जब हमें देखने को मिल रहा है ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, टू सी परिवार कमिंग एंड वॉचिंग आवर फिल्म। इनफैक्ट आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट इट्स नॉट जस्ट, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि सब परिवार आप लोग आ रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं, लेकिन जब मैं आई थी संडे को यहीं इसी थिएटर में आई थी और मैं अपने मॉम और भाई के साथ फिल्म देख रही थी और मैं अभी लक्ष्मण सर को बोल रही थी दैट यू नो एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग सैडिस्टिक, वॉचिंग माई मदर एंड माई ब्रदर क्राई इन माई फिल्म, मतलब ऐसा लगा कि लक्ष्मण अच्छा वाला क्राई नहीं फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद नहीं, तो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि दिस इज वाई वी मेक फिल्म्स, टू सी पीपल दैट वी केयर अबाउट हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस। और लक्ष्मण सर की वजह से, विक्की की वजह से मैंने अपने मॉम को और अपने भाई को एक साथ रुला दिया, और ऑनेस्टली मॉम इज़ अ बिट फिल्मी, मॉम हमेशा से फिल्मी रही हैं, फिल्मों में काम करती हैं एक्सेट्रा। इब्राहिम इज़ अ 22-year-old अर्बन यंग बॉय, अगर वो ये फिल्म देखकर रोया है ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैं जा के बोलती थी दिस इज़ नॉट जस्ट अ मिडिल क्लास इंदौर स्टोरी, दिस इज़ अ भारतीय इंसान की कहानी जो हर कोई रिलेट कर लेगा, और जब मैंने अपनी मॉम और भाई को दोनों को करते देखा एट द सेम टाइम, तो वो सह परिवार एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइज देना पड़ेगा, प्राइज बेना जी, हमारे पास ऑब्वियसली प्राइजेस हैं फॉर मीडिया मेंबर्स, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, प्लीज कैन यू हैंड ओवर द प्राइजेस ऑन दैट साइड एज वेल, वी डू हैव, अपने परिवार को दे दीजिएगा। फैंटास्टिक, वी आर नाउ गोइंग टू डू समथिंग फन विथ द कास्ट, ओके, बिफोर वी ब्रेक फॉर द मीडिया Q&A, हमारे पास कुछ बलून्स हैं, हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यही बोले हमारे सारे लोगों को कि ज़रा हटके, ज़रा बच के सिनेमाज में देखिए, लेकिन आप ये बोलेंगे लेकिन आवाज़ कुछ और आएंगी बाहर, बिकॉज वी हैव दीज बलून्स कॉल्ड द हीलियम बलून्स, वाली बलून्स, अरे बाप, आई थिंक विक्की यू शुड सिंग फिर और क्या चाहिए इंस्टेड ऑफ सेइंग, चलो लेट मी ट्राई, ओके, सो कैन यू गेट द बलून्स प्लीज, एंड बोथ ऑफ यू विल सिंग अ कोरस, मतलब अरिजीत के गाने को गाने की हिम्मत अगर करनी है तो ऐसे ही करनी चाहिए, है ना, एटलीस्ट देन देयर इज नो कॉम्पिटिशन, मैं तो अच्छा गाती हूं, कैसे करना है, ओके, सो वेरी, बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है, सो जस्ट टेक द गैस इन एंड देन यू नो ऑन माइक पे जो भी बोलना है बोल सकते हो, एंड लेट्स सी कि क्या क्रिएट आता है। चलो बस बस पूरा मत वसूल कर, 5, 6, 7, 8, तू है तो मुझे फिर आने क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और
अभी समझ में आया अमृता मैम और इब्राहिम क्यों रो रहे थे. मैं गाना नहीं गा रही थी उस वक्त. सॉरी अरिजीत सॉरी. डीनू सर लक्ष्मण सर वुड यू लाइक टू ट्राई. ग्रेट विद दैट मीडिया द फ्लोर इज नाउ ओपन फॉर क्यू एंड ए. मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस. मैं एनकरेज यू. दिनेश जी हेलो. दिनेश जी हेलो. हाय. इमीडिएटली डाल दे. Dinesh ji, yeah. Firstly, congratulations for the success of this film. Thank you very much. As well as you know, आप इतने सारे हटके hits दे रहे हो, चाहे वो OTT platform पर हो या theatrical releases हो, चोर निकल के भागा, भेड़िया हो, सास बहू और flamingo and now जरा हटके जरा बचके, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? जरा हटके जरा बचके से सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये theater में चली है. It's very personal. सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? एक कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक. आई डोंट नो व्हाई वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी. बहुत बहुत ज़्यादा याद आ गई थी. और हाँ मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था बट दिस वाज नॉट पर्सनल. आई थिंक इब्राहिम्स रिएक्शन. इब्राहिम तो द वे ही इज वॉक्ड आउट. इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता विपकता नहीं है. विकी ने मुझे भेजा एक्चुअली कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी यार. एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों की. कितनी प्यारी फोटो थी यार. मतलब मेरे भाई के बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है. वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा था. दूर हट. इब्राहिम दूर से होता अरे हीरोइन वहां पे उधर जा. विकी यू आर रूलिंग ओवर इंटरनेट विद योर सेक्सी मूव्स डांस मूव्स एस्पेशली यू नो यू आर ट्रेंडिंग सारी. एंड कमेंट्स में आ रहा है कि व्हिच गॉड डिड कैटरीना कैफ प्रेड टू. ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं. यू आर द न्यू चिकनी चमेला. इस डांस पर उनका कोई रिएक्शन आया? उन्होंने ये डांस देखा है उनका क्या रिएक्शन था? अरे उन्होंने इनको कोरियोग्राफ किया. प्लीज बताइए. नहीं नहीं उन्होंने देखा है और उनको भी अच्छा लगा. लक्ष्मण जी इधर आप सुन. जी सर क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज़्यादा सर बहुत ज़्यादा. हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है ही नहीं. मतलब जिस तरह के सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूजिक कुछ है नहीं उसमें. मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है. तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है सर. इस फिल्म में बड़ा महत्व दिया आपने म्यूजिक को. जी जी अच्छी बात है. बिल्कुल इनकी हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा रहा. परम सुंदर. या गाइस हाय विकी हाय प्रियंका दिस साइड. हाय प्रियंका. मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द होल टीम. विकी यू नो यू स्पोक अबाउट द होल स्केप्टिसिज्म व्हिच वाज बिफोर द फिल्म रिलीज्ड एंड इवन लक्ष्मण स्पोक अबाउट इट. बट पर्सनली एज एन एक्टर वर यू टोल्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स दैट डू बिग फिल्म्स यू नो योर लास्ट वाज ऑन ओटीटी गोविंदा नाम मेरा. यू नो यू हैव डन उरी द नंबर्स दैट इट हैज डन. यू नो अभी बिग फिल्म्स का जमाना आ गया है. सो एज एक्टर you know push yourself for it so that you're positioned that way because of course this is now a slap to all the skepticism and I think a lot of us also had that I would definitely say but for you as an actor were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told depending on each film that came out. कब कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए. फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए. तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज करो. बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है. वो दिल से ही कनेक्ट होता है. जैसे जरा हटके जरा बचके ऑल्सो वॉज नरेटेड टू अस एट अ टाइम वेयर इट वॉज नॉट द मोस्ट वाइजेस्ट डिसीजन कि अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो. इसका सैचुरेशन आया है ये वो बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है. बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट. यू हैव टू गो बाय द कन्विक्शन ऑफ योर डायरेक्टर द विजन ऑफ योर प्रोड्यूसर कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए. तो ऑफकोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन ऑल दीज चैटर्स हैव बीन गोइंग एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन. And they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very, very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So, yeah. Guys, it's Rishil here from Pink Villa. And congratulations on the success of Zara Hatke, Zara Bachke. Thank you. Yeah, so
before just beginning, I mean, before asking my question, I just wanted to like appeal on behalf of the media that the event began a bit late, like I think around 2 hours late. And I would just appreciate if actors adhere to the timings they have given, because we really appreciate your work and we appreciate that you all are spreading so many smiles in everyone's. Sir, for that, I'll take full responsibility. Because मेरी रात भर शूट थी जो अभी एक घंटे पहले ख़त्म हुई है, तो वो बिना सोए आया हूँ, पर वो शूट की वजह से मैं लेट हो गया और उस वजह से एवरीबडी गॉट लेट एंड यू हैड टू वेट. बट सो सॉरी, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अ शूट दैट कुडंट गेट फिनिश्ड इन द मॉर्निंग. नो नो, एब्सोल्युटली, आई जस्ट वांटेड टू लाइक सी ऑन बिहाफ ऑफ द मीडिया. एंड नाउ आई जस्ट आस्क माय क्वेश्चन फर्स्ट. हाँ जी. सो लक्ष्मण सर, लाइक यू हैव गिवन थ्री, पहले डांट दो फिर सवाल पूछता हूँ. Lakshman sir, you have given three back-to-back hits, like first Luka Chupi and then of course Mimi, which is like my favorite out of the three, and then Dhara Hatke Dhara Bachke. Which one is more personal to you in terms of success? Which one do you grade higher, like out of the three? And the second question is that do you want to get out of the small city type zone and get to a different genre or something? Like pehla kya tha? तीनों में से कौन सी पिक्चर ज्यादा पसंद है? एक्चुअली हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफी करीब रही है. जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है, और जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है. तो अभी इस वक्त जरा हटके जरा बचके यस डेफिनेटली काफी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिल मैं ही हूँ. क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि चल भी रही है और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती है. नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं. और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था, तारीफ की है क्या, बोलते गाली दी है. तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांड्रा से बाहर निकल गए ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहां पर यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं. तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने ही जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं. क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे. दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर जस्ट पुटिंग योर ओन पर्सपेक्टिव एंड ट्राइंग टू स्पॉइल दैट फिल्म. That is not right. And you shouldn't do that. And that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. Because when South ki koi film aati hai, chote budget ki film, jis hero ko hum jante bhi nahi, wahan pe wo superstar hota hai, hamare liye newcomer hota hai. Wah! 5-star, 4-star. Achhi film mein hoti hai. Bhai, humko bhi zarurat hai. We have to get our industry right. So I think we should, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले. क्यों नहीं चले, मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस और वो चार चार लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है. भाई क्यों? इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है. दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो. मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए. थैंक यू. हेलो. हाँ जी. हाय विक्की.